आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. झालं ते सारं विसरा आणि भाजपला देशातून हद्दपार करा, राष्ट्रीय काँग्रेस प्रभारी सोनल पटेल यांचं आवाहन. इचलकरंजी येथे राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्या मेळाव्यात बोलताना राष्ट्रीय काँग्रेसच्या प्रभारी सोनल पटेल यांनी झालं ते सारं विसरा आणि भाजपला देशातून हद्दपार करा असं आवाहन केलं. इचलकरंजी येथे राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वतीनं कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मार्गदर्शन करताना सोनल पटेल बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, भाजपा जातीयवादी पक्ष असून त्याला देशातून हद्दपार करा. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार निवडून केंद्रात पाठवा असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं. खासदार जयवंतराव आवळे म्हणाले, आता काँग्रेसमधले मतभेद संपले असून येणाऱ्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे सर्व उमेदवार निवडून येतील तर काँग्रेस पक्षाचे कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष पुढील काळात प्रकाश आवाडे असतील अशी घोषणा आवळे यांनी केली. यावेळी माजी खासदार कल्लापना आवाडे, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, राजूबाबा आवळे, जिल्हा परिषद सदस्य राहुल आवाडे, इचलकरंजी राष्ट्रीय काँग्रेस शहर अध्यक्ष प्रकाश मोरे यांच्यासह काँग्रेसचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महानकारी न्यूजसाठी इचलकरंजीहून दत्तात्रेय कदम. जो घोटाला है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा इन्होंने किया है. लेकिन मोदी जी की खासियत ऐसी है कि जो नहीं सोचता ऐसा भी वो करते हैं, क्योंकि वो ऐसे मानते हैं कि उनको रोकने वाला कोई नहीं है. गुजरात में भी आपको मालूम हो गया कि एक मिनिस्टर की हत्या उन्होंने करवा दी थी. शाहबुद्दीन केस में क्या हुआ था आप जानते हैं ये सारी बातें. इसके आगे जब सत्ता पे आए तो ये सारी चीजें करते गए, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं. और ऐसा है कि वो किसी चीज का जवाब देने में भी नहीं मानते. मीडिया भी पूरा खरीद के रखा हुआ है, थोड़े बहुत अफवाह है. तो इसमें उनको ऐसा लगता है कि ये जो हम करते हैं, हमें बोलने वाला, हमें पूछने वाला, हमें चैलेंज करने वाला कोई है नहीं. और इतना गर्व इनको है कि कुछ भी करेंगे तो हमें हमारा चल जाएगा, ऐसा मान के ये सारे काम कर रहे हैं. लेकिन हर एक चीज की कोई मर्यादा होती है, और जब मर्यादा जब क्रॉस हो जाती है तो उसका अंत भी आने लगता है. और उसका अंत अभी शुरू हुआ है. और उस अंत को अंजाम देने के लिए, जैसे अभी यहाँ बोला गया, आपके पास कोई सीट नहीं है. मैं महाराष्ट्र में आई हूँ तब से देखती हूँ, आपके पास बहुत सालों तक सत्ता रही. सत्ता में बहुत लोगों को आपके आगे आमदार बैठे हैं, खासदार बैठे हैं, दोनों मिनिस्टर रहे प्रकाश जी, ऐसे बहुत लोगों को सत्ता का फल प्राप्त हुआ. बहुत उन्होंने काम भी किया, लोगों के साथ भी संबंध इनके इतने हैं. तो फिर भी इतना सब होने के बाद भी सत्ता से हम दूर रहते हैं तो अच्छी बात है. मंथन करना इन्होंने शुरू किया है, और ये मंथन के बाद जो समझे हैं उसको अभी इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है. अभी जो बातें हो रही है, आप लोगों ने शरद पवार जी का इंटरव्यू देखा होगा टीवी पे,